दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंफोसिस के बारे में, जहां पर बहुत ही शानदार अपडेट रिसेंटली आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी बोनस के साथ में स्प्लिट भी देने जा रही है, 1:3 के रेशो का बोनस प्लस 1:10 के रेशो का स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया कि इंफोसिस सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इंफोसिस के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और इंफोसिस यूएस और इंडियन मार्केट में पैरेलल चलता है, जिस कारण से यहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि 2 मई 2023 के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा हमें इंफोसिस के अंदर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम अभी के टाइम पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो फ्राइडे के दिन इंफोसिस के अंदर हमें 1252 रुपए पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं अगर हम इंफोसिस एडीआर की बात करें तो इंफोसिस एडीआर के अंदर हमें फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं इंफोसिस एडीआर के अंदर हमें लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे तो लगभग 15.54 यूएस डॉलर हमें इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। और अगर करंट प्राइस से हम इसे कैलकुलेट करें, अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग यहां पर जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं लगभग हमें 1270 रुपए के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी इंफोसिस की जो हमारी क्लोजिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली वो 1252 रुपए की देखने को मिली है और जो यूएस के मार्केट में इंफोसिस की क्लोजिंग निकल कर आई है वो 1270 रुपए की निकल कर आई है। तो अल्टीमेटली यहां पर माना जा रहा है कि 2 मई 2023 के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब हमें इंफोसिस के अंदर लगभग 18 से 20 पॉइंट की बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफोसिस और यूएस स्टॉक मार्केट में जो इंफोसिस रजिस्टर्ड है वो बहुत पैरेलल चलते हैं। तो इंफोसिस एडीआर पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें इंफोसिस इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उसमें भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी इंफोसिस को लेकर यहां पर बाय की रेटिंग दी जा रही है और टारगेट प्राइस 1600 रुपए के दिए जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में भले ही इंफोसिस अभी हमें अंडरवेटेड देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस बनाकर नहीं दे पाई है, लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर्स के अंदर आने वाले 5 सालों के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस शेयर के साथ में जा सकते हैं और यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर, बहुत लो वैल्यूएशंस पर अभी ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर खरीदारी करते हैं तो मिनिमम आपको यहां पर 3 साल का टारगेट लेकर चलना होगा, तभी आपको यहां पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है बर्जर पेंट्स इन इंडिया लिमिटेड, जहां पर आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.2% की तेजी हमें बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो रिसेंटली बर्जर पेंट्स ने जो अपने क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर निकल कर आया है, जहां पर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन यही नंबर्स अगर आप सीएजीआर ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 3 साल की सीएजीआर ग्रोथ सिर्फ सिंगल डिजिट है, यानी कि 6% है, और लास्ट 1 ईयर की अगर आप सीएजीआर ग्रोथ देखेंगे तो वो हमें नेगेटिव 15% की देखने को मिल रही है। और उसके पहले अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पिछले 10 साल और पिछले 5 साल में डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो अभी के टाइम पर यानी कि लास्ट 2-3 साल से पेंट सेक्टर कंपनियां काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, नहीं तो अगर आप इनकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 5 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स की देखेंगे तो वो हमें काफी शानदार देखने को मिलती है। तो ओवरऑल पेंट सेक्टर कंपनियों के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आपको अपनी पोजिशंस को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करके चलना होगा। आने वाले 1 से 2 साल में यहां पर भी रिकवरी पॉसिबल है और यहां पर भी जो आपको सीएजीआर ग्रोथ है वो लगभग डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने बर्जर पेंट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंपनी को 100 साल से भी ज्यादा मार्केट में हो गया है, मार्केट लीडर कंपनी है, काफी मोनोपोली क्रिएट करके चलती है, एशियन पेंट्स के बाद में बर्जर पेंट्स का भी बहुत बड़ा नाम है, तो यहां पर भी आप अपनी पोजिशन को होल्ड करते हुए चल सकते हैं।
बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है CDSL। रिसेंटली CDSL ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स को डिक्लेयर किया है। क्वार्टर फोर के नंबर्स कंपनी के इतने ज्यादा इंप्रेसिव निकल कर नहीं आए हैं। नंबर्स ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। जहां पर CDSL के नंबर्स की बात करें तो CDSL के नंबर्स हमें फ्लैट देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। यहां पर कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि CDSL के अंदर अभी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी हमें पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मार्केट में बियर मोड चल रहा है जिसके चलते जो ट्रेडर्स है वो मार्केट से भाग चुके हैं। अब सिर्फ वही ट्रेडर्स यहां पर हैं जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, जिस कारण से यहां पर जो CDSL को रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रोकरेज से वो अभी के टाइम पर वहां पर हमें साइडवेज देखने को मिल रहा है, जिस कारण से CDSL के अंदर अभी हमें कोई बड़े रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि लास्ट एक महीने के अंदर CDSL ने नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्म किया है और मंडे के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब हमें CDSL के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर CDSL के अगर हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो यहां पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हमें 20% की देखने को मिलती है, उसी के साथ में DII की हिस्सेदारी हमें 18.4% की देखने को मिलती है। FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की जो यहां पर होल्डिंग है वो हमें 14.6% की देखने को मिलती है और रिमेनिंग स्टेक हमें यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में देखने को मिलता है जो कि ये 46.84% का, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो CDSL के अंदर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है, यहां पर अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो इसको अंदर खरीदारी करने का सबसे सही समय है बुल मार्केट। अगर आप बुल मार्केट में यहां पर खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर ट्रेडर्स ज्यादा रहते हैं, इन्वेस्टर्स ज्यादा रहते हैं, जिस कारण से कंपनी की ब्रोकरेज की इनकम कंपनी को ज्यादा होती है और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है और इसी कारण से CDSL की प्राइस में हमें तेजी देखने को मिलती है। लेकिन अभी के टाइम पर CDSL के अंदर हमें साइडवेज ही मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं, तो अभी के टाइम पर आप इस शेयर्स को अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड, जिसको लेकर एक डिटेल वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.5% से भी कम का है और इसी के साथ में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मन बना सकते हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:3 के रेशियो का बोनस और 1:10 के रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। यदि आप हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहां पर आप खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।